हमारा सपना तो पूरा ही हुआ है, क्योंकि हम लोग ने अजय शुक्ला फिल्म्स इंटरटेनमेंट के बैनर तले बहुत सारी फिल्मों में हम लोग फाइनेंस करेंगे। और हमारे बड़े भैया अजय शुक्ला जी हैं, चतुर्वेदी जी भैया हैं, और देव पांडे जी हैं, अमरीश सिंह जी हैं। अमरीश सिंह ने हमारी एक फिल्म में अभी एज ए हीरो काम भी किए हैं, राधे रंगीला में। तो मैं तो यही चाहूँगा, और हम लोग का प्रोडक्शन हाउस इसी करें कि बहुत सारी फिल्में पैसे की वजह से रुकती हैं। और मैंने ये देखा है, मैंने खुद एज ए प्रोड्यूस भी किया है, तो मैं ये देखा हूँ कि 10 लाख 15 लाख के लिए बहुत सारी फिल्में रुक जाती हैं। तो हमारे अजय भैया की ये सोच है कि हम कुछ ऐसा करें कि जो फिल्में रुकी हैं, नहीं रिलीज हो पा रही हैं, और आर्टिस्टों के करियर की बात होती है, तो उसके लिए हम लोगों ने प्रोडक्शन हाउस खोला है। और यहाँ से हर लोगों के लिए सहयोग है और सबका साथ हो रखा है। अमरीश सिंह आपके नए फिल्मों में होंगे? अमरीश सिंह तो भाई है ना, अब हमारे अजय भैया ने बोला ना कि वो तुम्हारा छोटा भाई है, तो जब बड़े भाई ने बोल दिया कि वो छोटा भाई है, तो मैं तो अजय भाई का छोटा भाई हूँ, तो अमरीश सिंह तो मेरा भाई है ही, तो उसके लिए तो वो तो हर समय है, वेलकम है। और हमारे देव पांडे भाई जो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, वो हम लोग को मार्गदर्शन देंगे, और मैं चाहूँगा कि भैया भी आके दो सब बोल दें। आप भोजपुरी फिल्म भी आप फाइनेंस करने वाले हैं, या इसके अलावा अलग अलग या रियलिटी शो कुछ तरह के कोई सीरियल्स जो होते हैं? हाँ, सीरियल्स भी हम लोग तैयारी किए हैं, सीरियल भी करने वाले हैं। अभी हम लोग दंगल चैनल जो है उसकी बात चल रही है, हम लोग साथ उस पर भी सब रिलीज करेंगे, और बाकी मोस्टली जो भी है चलता रहेगा। हम तीनों भाई हैं, करेंगे इवेंट भी करेंगे। इवेंट तो हाँ देखेंगे, अगर छोटा भाई बोल रहा है इवेंट भी देख लेंगे, लेकिन इवेंट तो संजय भूषण के लिए क्या करना चाहेंगे? उन्होंने मीडिया हमेशा कवरेज के लिए बुलाते हैं। संजय भूषण इंडस्ट्री का जो है एकलौता, अभी उसको क्या बोलूँ, आगे नहीं बोलूँगा, वो हर जगह पहुँचा रहते हैं, और हमारे छोटे भाई जैसे हैं, और हर लोग उनको मानते हैं। और मोस्टली मैं तो देख रहा हूँ 90% जो है भोजपुरी में कवरेज तो संजय भूषण का ही है, तो उनके लिए भी ढेर सारी बधाई है। संजय भूषण के लिए मेरे से एक पॉइंट ले लो कि संजय भूषण अगर आज यहाँ पे एज ए PR मेरी कंपनी में है, तो अपने फेमस पर्सनालिटी की वजह से नहीं है। मेरा और संजय भूषण का रिलेशन उस समय का है जब हम दोनों रोड पे बैठ के चाय पिया करते थे। तो आज मैं उस चीज़ को अपने एज ए प्रोफेशन जोड़ा है, तो संजय भूषण के नेचर और उसके मेहनत की वजह से आज वो मेरे साथ जुड़ा हुआ है। नहीं तो एक टाइम था जब हम लोग साथ में बैठ के नुक्कड़ पे बैठ के डिस्कशन किया करते थे, फिल्में कैसे बनती हैं, कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है। तो ये मान के चलिए कि 10-15 साल पहले का रिलेशन आज मैं उसे एज ए प्रोफेशन जोड़ा है, तो हमारे संबंध हुए हैं संजय भूषण से, इस वजह से आज वो हमारे साथ एज ए PR ज्वाइन हुए हैं, और वही इसी तरह से लगे रहेंगे संबंध में और प्रोफेशन में। उनके करियर को कैसे देखते हैं? उनका करियर बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा मेहनत किया है। उस समय मैं आज से 10-12 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उस समय वो काफ़ी छोटे थे और काफ़ी मेहनत करते थे, जुनून था उनके अंदर। उस समय बहुत अच्छे अच्छे PROs थे। मैं बड़ा अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, मैं नाम नहीं लेते हुए भी लेना चाहूँगा, उस समय निशांत प्रशांत थे, काफ़ी अच्छे अच्छे थे, मगर उस समय भी ये लड़का बहुत मेहनत करता था। तो मैं ये मानता हूँ कि उसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, और वो अगर इसी तरह से अपनी ईमानदारी से PRO एज ए PRO काम करते रहे, तो इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छे रहेंगे और काफ़ी आगे रहेंगे। न शब्दों के पत्थर हैं न अर्थों की चट्टाने, अजय शुक्ला फिल्म एंटरटेनमेंट कंपनी की कहानी है। चले हम आपको सुना दें, हम सब ये दिगड़ी, हमारे अजय शुक्ला जी, अरुण दुबे जी और गजानन चतुर्वेदी जी, हम सब पूर्वांचल से आए हुए हैं, और पूर्वांचल की जो बयार बह रही है उस वो हवा बहते बहते बॉम्बे पहुंची है, और हमारे इस फिल्म सिनेमा इंडस्ट्री एंटरटेनमेंट मीडिया प्रिंट मीडिया सीरियल्स एड सारे जगहों पे अपना स्थान पक्का करने के लिए बीड़ा उठाया हुआ है कि हमारे सिनेमा में खास करके भोजपुरी या हिंदी या सीरियल जो भी चीज़ें बन रही है, अगर पूर्वांचल की तरफ से किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो ये पूर्वांचल कंपनी उनके लिए हमेशा खड़ी रहेगी, उन्हें फाइनेंस करेगी, चाहे वो पैसे की ज़रूरत हो, चाहे टेक्नीशियन की ज़रूरत हो, चाहे डायरेक्टर्स की ज़रूरत हो, किसी भी तरह के किसी भी हालत में किसी भी जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ये हमारी कंपनी अजय शुक्ला फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट कंपनी उनका सहयोग देगी, उनकी सहायता करेगी, और उन्हें उन सिनेमा घरों तक ले जाएगी जिन पे 22 करोड़ भोजपुरिया लोग और पूरा हिंदुस्तान से लेके पूरे विश्व में जहाँ पे हमारी
कम से कम भैया 44 कंट्रीज में हमारी भोजपुरी भाषा बोली जाती है, वहाँ के साथ साथ पूरे विश्व में जहाँ हिंदी बोली जाती है, दूसरे रीजनल भाषाएं बोली जाती है, उन सारे लोगों को हमारा सिनेमा दिखाई पड़े। जो सिनेमा आज थोड़े से अपने गड़बड़ अवस्था में चल रहा है, जहाँ पैसों की वजह से फिल्म रुक जाती है, उन फिल्मों को दूर दराज तक लोगों के सिनेमा देखने के लिए मिलेगा, उसके लिए इस कंपनी ने बीड़ा उठाया हुआ है। और एक बहुत अच्छा समय चल रहा है कि चैत्र की नवरात्रि खत्म हुई है और उस हम यहाँ पे एक बॉम्बे जैसे बड़े शहर में अपना एक ऑफिस खोले हैं और यहाँ पे उन सारी चीज़ों को सत्यनारायण की कथा सुनी जा रही है। उस सत्यनारायण कथा के समय हम यही आशा रखते हैं कि हमारी ये पूर्वांचल से आई हुई कंपनी बॉम्बे जैसे बड़े शहर में जहाँ रोज रोज हादसा होता है, बॉम्बे शहर हादसों का शहर है, उन हादसों में ये कंपनी अपना एक मुकाम हासिल करेगी और हम सब एक साथ बोलेंगे सत्यनारायण भगवान की जय। धन्यवाद। सबसे पहले हमारे अजय भाई को, अरुण भैया को, गजानंद चतुर्वेदी जी को, जो आगे चल के ये पहल किए, जो बाहर से लोग आते हैं जिनकी बहुत सी उम्मीदें होती हैं कि चलो बम्बई चलते हैं, चाहे कोई भी स्टेट के हुए, ये नहीं कि हमारे सिर्फ यूपी वाले हुए या बिहार वाले हुए, कोई भी स्टेट के हुए, अगर उन वो इस फील्ड में आ रहे हैं तो उनके लिए, और जो हमारे अजय भाई साहब हैं और इनके जो पूरे ग्रुप हैं, क्योंकि कड़ी से कड़ी होती है, हमारी तरफ से ये मनोकामना है कि भैया का प्रोडक्शन एक नहीं, कम से कम यहाँ पे 2-4-10 खुले और दिन पे दिन हमारे भाई साहब आगे बढ़ते चले जाएं। थैंक यू सो मच सर। हाँ हाँ।